आज पहली अगस्त है और मैं आपको बता दूं कि आज जो है उधमपुर के अंदर व्यापार मंडल की इलेक्शन जो है वो कराई जा रही है। यहाँ पर हम इस समय खड़े हैं उधमपुर के गोवर्धन पैलेस में और यहाँ पर जो है व्यापार मंडल की इलेक्शन जो है वो करवाई जा रही है। मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर व्यापारी वर्ग जो है वो काफ़ी संख्या में आए हुए हैं। हर व्यापारी जो यहाँ पर बोर्ड जो है वो अपना कास्ट करने के लिए यहाँ पर आया हुआ है। हम ने आपको पिछले दिनें जो व्यापार मंडल की इलेक्शन को लेकर प्रचार कर रहे थे उसकी भी आपने टाइम टू टाइम आपको खबर जो है वो दिखाई है। उधमपुर के अंदर दो टीमें थी और दोनों ने ही बढ़ चढ़ कर अपना प्रचार जो है वो किया हुआ है। यहाँ पर काफ़ी संख्या में व्यापारी वोट डालने के लिए आए हैं। हम उनसे भी बात करेंगे और जानेंगे कि किस तरह की व्यवस्था जो है वो यहाँ पर की गई है। तो आइए देखते हैं क्या कहना है उनका। जी अनिल अरोड़ा जी, जो 3 साल के बाद आज व्यापार मंडल के चुनाव हो रहे हैं, तो क्या लग रहा है आपको, किस तरह से यहाँ चुनाव चल रहे हैं, जो चुनाव की प्रतिक्रिया है उसके बारे में थोड़ा बताइए। सबको नमस्कार और आपका बहुत बहुत शुक्रिया जी। जी बात ऐसे, चुनाव देख के मुझे आज बहुत अच्छा लगा कि सब दुकानदार भाई बड़े आराम से आपने से एक दूसरे से गप मार रहे हैं। मैं देख रहा हूँ बड़े अच्छे माहौल से चुनाव हो रहा है और अंदर जाके देखा कि काफ़ी अच्छा सिस्टम है, चुनाव हो रहा है। देखो जी, प्रतिबोध और एक दूसरे पर बातें ये तो चलती रहती हैं। डेमोक्रेसी इज़ द पार्ट ऑफ इंडिया, तो जहाँ डेमोक्रेसी होती है वहाँ आरोप भी लगते हैं, प्रतिरोप भी लगते हैं, लांछन भी लगते हैं, अलांछन भी लगते हैं। इन बातों की तरफ ना ध्यान देते हुए मैंने अंदर देखा माहौल बहुत अच्छा है, सब इलेक्शन में अपने व्यस्त है। कौन जीता है कौन हारता है वो बात नहीं होती, जो भी जीते वो पब्लिक का नुमाइंदा होता है और वो उसको आगे आना चाहिए बढ़ चढ़ कर और पब्लिक की सेवा करनी चाहिए। सबसे बड़ा दायित्व यही होता है कि ये जीतने और हारने की बात नहीं होती, एक जीतता है तो हारता है, अगर मैच होता है एक टीम जीतती है तो दूसरी हारती है, हार जीत तो लग ही रहती है। अब मैं भी तो टाई में जीता हूँ, कहने का मतलब ये इलेक्शन इज़ वेरी टफ, जो देखने में दिख रहा है कि इलेक्शन बहुत टफ चल रही है लेकिन बहुत अच्छे और प्यार के अच्छे माहौल में चल रही है, वो देख के मुझे बड़ी खुशी है। ये वातावरण बहुत बढ़िया है, इसके लिए मैं दोनों पार्टियों को कहता हूँ कि आपने वातावरण बहुत अच्छा बना कर रखा है, इसलिए इन दोनों मुबारक के पात्र हैं। जय हिंद जय भारत। सर अगर मैं बात पूछूं तो सिक्योरिटी की बात करें, जो जो इंतज़ाम यहाँ पे किए गए हैं इलेक्शन के वो किस तरह के हैं? वो भी ठीक लगे, मैंने जहाँ SHO साहब भी देखे और भी सब इंस्पेक्टर और बाहर पुलिस का भी काफ़ी अच्छा बंदोबस्त है और सिक्योरिटी के प्रोविजन देखा जाए तो ठीक है। कुल मिलाकर यहाँ अच्छा माहौल है, ऐसा ही प्यार होना चाहिए, ऐसा ही माहौल होना चाहिए। मैंने आपको एक ही बात कहा कि डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी में आप किसी में भी कुछ कह सकते हैं, जीतना और हारना लगा रहेगा। अगर हम अपने उधमपुर को अच्छी मंजिल की तरफ सब इकट्ठे होकर अगर चले तो मैं कहता हूँ हम कहीं ना कहीं पहुँचेंगे और इस उधमपुर को एक अच्छी एक दिशा मिलेगी। यही मेरी एक सबसे रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के विनती है, जो मर्जी जीते लेकिन वो काम करें अपने सब दुकानदार भाइयों के लिए, क्योंकि यहाँ पर बहुत प्रॉब्लम है। इकट्ठे हो गए करें, कौंसिल भी बैठेगी, व्यापार मंडल भी बैठेगा, चैम्बर भी बैठेगा, एडमिनिस्ट्रेशन को भी खींचेंगे तभी गाड़ी चलेगी, अदरवाइज बहुत मुश्किल है। जय हिंद जय भारत। तो आपने देखा कि किस तरह से यहाँ पे जो सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं वो बिल्कुल सही है, ऐसा व्यापारियों का कहना है। वोट की कीमत को समझ रहे हैं, वोट कर रहे हैं, सुबह से सभी दुकान, आज मंडे भी है, सोमवार भी है, छुट्टी भी है, मगर फिर भी लोग अपना वोट जो है यहाँ पे डालने आ रहे हैं और काफ़ी भारी मतदान हुआ है यहाँ पे। तो मैं सभी व्यापारी जो भी हमारे भाई हैं जिसने भी वोट डाला वो भी अभी तक 5 बजे तक वोटिंग होगी, जिसने नहीं डाला वो यहाँ पे आके वोट डालिए और एक अच्छी टीम दीजिए व्यापार मंडल को, अच्छी व्यापार मंडल टीम दीजिए जिससे व्यापारियों के हित में काम हो, व्यापारियों का हित में काम हो, व्यापारियों के लिए काम हो। जी जी जी।
अभी फ़िलहाल दोपहर का समय जो है वो हो चुका है और मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो वोटिंग होनी है उसकी टोटल कुल वोटर जो हैं वो 1650 हैं और अभी तक जो है 1150 वोटरों ने यहाँ पर अपना वोट जो है वो कास्ट कर दिया है। व्यापारी वर्ग में काफ़ी उत्साह इस इलेक्शन को लेकर देखा जा रहा है और मुझे यहाँ तक उम्मीद है कि शाम होते होते यहाँ पर 100% जो वोटिंग है वो जो है वो हो जाएगी। और मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो वोटिंग है जैसे ही ये ख़त्म होगी और रिज़ल्ट जो है वो आज के आज ही इसका आएगा और जैसे ही रिज़ल्ट आएगा आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए, हम आपको समय समय पर इसकी रिपोर्ट जो है वो देते रहेंगे। तो इसके साथ ही मुझे फ़िलहाल दीजिए इजाज़त। जय हिंद।